अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, दिस इज सैफ अली। और आज हम नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का जो चौथी चैप्टर है उसका जो हमने पिछले जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उनका जो टेस्ट योर सेल्फ 4.3 इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट फॉर्म मेटैलिक बॉन्ड, किस तरह के जो एटम है वो मेटैलिक बॉन्ड बनाते हैं। तो मेटैलिक बॉन्ड सबसे पहले ये देखा जाए कि मेटैलिक बॉन्ड होता है क्या। तो मेटैलिक बॉन्ड में देखा था कि जितने भी मेटल्स हैं वो आपस में बॉन्ड रहने के लिए जो बॉन्ड क्रिएट करते हैं वो मेटैलिक बॉन्ड होता है। और ये बॉन्ड बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, यानी कि वो एटम्स जिनके अंदर पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब ये वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाले शेल के अंदर, यानी सबसे बैलेंस जो बैलेंस शेल होता है, सबसे आउटर मोस्ट शेल, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन की जो उसी एटम का न्यूक्लियस है उसके पास जो ग्रिफ्ट है वो बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, तो उनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो मेटैलिक बॉन्ड इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन मेटल वीक, कि मेटल के अंदर क्यों वीक होता है, उसके अलावा और कहीं वीक क्यों नहीं होता मेटेलिक आउटर मोस्ट शेल के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स होती है। तो इसकी मेन रीजन ये है कि एटॉमिक साइज जो होता है वो मेटल का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा शेल बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये हम अगर सोडियम का बनाते हैं एटम, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, उसके सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सबसे आउटर मोस्ट शेल उसके पास जो न्यूक्लियस की ग्रिफ्ट है सोडियम का जो है उसके ऊपर जो ये जो ग्रिफ्ट है न्यूक्लियस के एटम की न्यूक्लियस के ऊपर ये बहुत कम है, जिस वजह से क्या होगा कि ये वाला जो सबसे बाहर वाला बैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह से जब हम इसी ग्रुप इससे ग्रुप वाइज चलते हैं, इससे नीचे वाले एटम के पास में पोटेशियम में आते हैं, पोटेशियम में हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज और इंक्रीज कर चलता है। बेसिकली इसकी वजह ये है एटम मेटल्स के अंदर, क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। इसके अंदर एक शेल और इंक्रीज हो जाता है, तो सबसे आउटर मोस्ट शेल है जो देखिए उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ये फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दे। और इसके दरमियान में बहुत सारे शेल आ रहे हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो वहाँ तक कम्प्लीट पहुँचने नहीं देगी, जिस वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो होगा, व्हाई डू द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली इन मेटल, के मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव क्यों करते हैं। तो उसका भी आंसर ये सेम है कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो सबसे बाहर वाला बैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं रहती, जिस वजह से वो क्या करता है फ्रीली मूव करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटम टुगेदर इन मेटल, किस तरह के इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल को आपस में बाउंड रखने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स के अंदर ये वो आपस में बाउंड रखने में मदद देते हैं, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही एटम फिर सब आपस में मिलते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाई डज अ डाइपोल डेवलपिंग मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल फोर्सेस क्यों डेवलप होती हैं। तो जब मॉलिक्यूल हम देखते हैं कि जो खासतौर पर पोलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर जो मॉलिक्यूल पोलैरिटी की वजह से बनते हैं, जो प्रॉपर शेयरिंग नहीं बल्कि एक ही मॉलिक्यूल के एक ही एटम के, हमने पीछे पढ़ा था, पीछे एक डिस्कस किया था कि एक ही जो एटम है वो पूरा एक जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो डोनेट करता है, जिस वजह से क्या होता है कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे HCl है पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इनके दरमियान जो बॉन्ड है, अब इसी तरह से जब इसके पास एक और पार्शियल पॉजिटिव नहीं, इस तरह से जब इनके पास ये बॉन्ड वाले एटम आएंगे तो ये जो इनके तरक्की को इनके मॉलिक्यूल को जो होल्ड करने के लिए जो चीज़ चाहिए इनके आपस में, वो इनको क्या करेंगे अपने आप इस तरह से अरेंज कर देते हैं कि पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन का और एक और पार्शियल पॉजिटिव जो आपस में बॉन्डिंग नहीं है, जो इन आपस में बॉन्डिंग नहीं है, इनका तो आपस में बॉन्ड है इसलिए आपस में अटैच है, लेकिन इन दो का आपस में बॉन्ड नहीं है, इनके दरमियान एक फोर्स डेवलप हो जाएगी, इस फोर्स को डायपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। ये मॉलिक्यूल की दरमियान तब बन जाती है जब ऊपर पोलैरिटी की वजह से चार्ज आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड डाइपोल? इंड्यूस्ड डाइपोल से मतलब क्या ऐसी डाइपोल अट्रैक्शन जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है. तो ये सेम इसी तरह से होता है कि जब जब भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब एक दूसरे के पास आते हैं तो आपस में उनके फोर्स डेवलप हो जाती है, जिसको डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं. नेक्स्ट है, व्हाई आर डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नॉट फाउंड इन हैलोजन मॉलिक्यूल्स? हैलोजन मॉलिक्यूल के अंदर ये क्यों पाई नहीं जाती डाइपोल की अट्रैक्शन फोर्स? तो उसका आंसर ये है कि उनके ऊपर पोलर चार्ज नहीं आता. पोलर चार्ज क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो प्रॉपर शेप से बनता है, किसी एक एटम के मॉलिक्यूल एक किसी एक एटम का जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करने से नहीं बनता, वो प्रॉपर शेडिंग की वजह से बनता है. जब प्रॉपर शेडिंग होती है तब पोलर पोलरिटी की वजह से चार्ज नहीं आता. जब पोलरिटी की वजह से चार्ज नहीं आएगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज भी डेफिनेटली नहीं बनेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज एग्जिस्ट बिटवीन एचसीएल मॉलिक्यूल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, जो है किस तरह के मॉलिक्यूल उनके मॉलिक्यूल के द्वारा किस तरह की फोर्सेज पाई जाती हैं? तो मैंने ये आपको एग्जांपल जो ये है एचसीएल की दी थी कि एचसीएल के अंदर एचसीएल का भी एचसीएल का ही स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया था. तो पोलर नेगेटिव और पोलर पॉजिटिव चार्ज पर आने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होता है कि ये दो ये बॉन्ड बन जाते हैं. ये बॉन्ड बनने पर जब ऐसे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले एटम एक दूसरे के सामने आते हैं, जब जिनके दौरान बॉन्ड नहीं होता तो उनके दौरान की फोर्स डेवलप हो जाती है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. तो हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल के दौरान ये फोर्सेस पाई जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, शो दीज फोर्सेज अमंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज का मैंने आपको बता दिया कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ आते हैं तो एक दूसरे के अंदर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कहते हैं. तो उनको ड्रा करने का यही है कि इस तरह से मैं यहाँ पे और एग्जांपल दे देता हूँ. तो इस तरह से ये क्लोरीन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है के दरमियान फोर्स डेवलप हो जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. तो ये था हमारा पीछे वाला जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे उनका ये टेस्ट ये सब था. इसका आपको खुद भी एक दफ़ा पढ़ना, इसको सॉल्व करना है, और इंशाल्लाह अपना जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.